स्वागत है आप सभी लोग अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्माइल मेकर। स्माइल मेकर सीरीज में हम लोग अपने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ये डिस्कस करते हैं कि कैसे ऋग्वेदिक समाज के बाद या ऋग्वेदिक सभ्यता संस्कृति के उपरांत उत्तर वैदिक सभ्यता संस्कृति प्रकाश में आई। आप इसे एक रूप में जान लें कि वैदिक सभ्यता का ही एक जो पार्ट है वो उत्तर वैदिक काल है। इसमें बस थोड़ा सा सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थितियों में परिवर्तन होने के कारण इसका एक अलग रूप में क्या कर दिया गया है, विभाजन कर दिया गया। समझेंगे किस तरीके से। वह काल जिसमें केवल ऋग्वेद लिखा गया वैदिक काल था, लेकिन वह काल जिसमें पूरी तरीके से तीन और अन्य वेदों को लिखा गया वो उत्तर वैदिक काल के रूप में चला जाता है। इसी तीन अन्य वेदों के साथ साथ कुछ उपनिषद लिखे गए। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को अर्जित करना। अभी डिस्कस करेंगे कि कितने कुल उपनिषद ऐसे लिखे गए और कितने उपनिषदों को पूरी तरीके से प्रमाणिक माना जाता है। तो वह काल जिसके अंतर्गत पूरी तरीके से तीन अन्य वेद आते हैं, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सपोज दैट आप ये मान लें कि एक मूल पुस्तक है, उस मूल पुस्तक में से गीति गायन जो गाने बजाने का सिस्टम है वो एक अलग रूप में कर दिया गया। योगानुष्ठान की जितनी क्रियाएं हैं वो सारे के सारे एक और एकत्रित कर दी गई, और जितने भी संस्कार हैं या जितना भी कर्मकांड है वो सारा का सारा तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका वो सारा का सारा एक और कर दिया गया। तो अब इस काल में अगर वेदों की कुल संख्या हो जाती है हमारे पास चार, और जब चार वेद पूरी तरीके से संपूर्ण रूप से अपना अस्तित्व बना लेते हैं समाज के अंदर, तो वही काल उत्तर वैदिक काल के रूप में प्रकाश में आता चला जाता है। तो आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए किसी भी सभ्यता संस्कृति को समझने के लिए हमें चार चीजों का सहारा लेना होता है। नंबर एक उसका समाज, नंबर दो उसकी राजनीति, नंबर तीन उसकी अर्थव्यवस्था और नंबर चार पूरी तरीके से उसकी धार्मिक स्थिति। तो उसका सोशल स्टेटस, उसका पॉलिटिकल स्टेटस, उसका इकोनॉमिकल स्टेटस और उसका रिलीजियस स्टेटस। अगर किसी सभ्यता संस्कृति को जानना हो तो चार रूपों में वर्गीकृत किसी सभ्यता संस्कृति को पहचाना जा सकता है। अगर मैं बात करूं इससे पूर्व काल की, तो वो काल पूरी तरीके से वैदिक काल है, और वैदिक काल की अगर बात करें तो वहां समाज जो था पूरी तरीके से पुरुष सत्तात्मक समाज था, और पुरुष सत्तात्मक समाज के साथ यहां वैदिक सभ्यता में एक चीज जो स्थापित थी वो थी आपकी वर्ण व्यवस्था। यहां भी वर्ण व्यवस्था होगी, लेकिन एक और व्यवस्था आ जाने से अब थोड़ा सा मामला समाज का क्या हो जाएगा, जटिल हो जाएगा। तो वर्णों के साथ साथ जाति भी गतिमान हो चुकी है उत्तर वैदिक काल के दौरान। राजनीति के जो आयाम थे वो कुछ इस तरीके से था कि सबसे पहले परिवार, कुल, छोटे छोटे परिवारों का समूह ग्राम, छोटे छोटे ग्रामों का समूह विश या जन सॉरी विश या वंश, छोटे छोटे विश का समूह जन, और छोटे छोटे जन का समूह राष्ट्र या पूरी तरीके से गण। ठीक है, तो अगर आप इन सब के कुल का स्वामी का मतलब पति, तो एक अक्षर जोड़ दे इसमें आप लोग कुलपति, अब ये हो जाएगा ग्रामपति या ग्रामीणी, ये हो जाएगा विशपति या पूरी तरीके से वंशपति, ये हो जाएगा राष्ट्रपति या गणपति, ये हो जाएगा जनपति या राजन। तो अगर आप इसमें स्वामी की संकल्पना को अवधारित कर दें तो पूरी तरीके से ये परिवार ग्राम, ग्राम से विश्व से जन और जन से राष्ट्र की अवधारणा को स्थापित करता है। यहां भी राजनीति का आयाम कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ता है, बिल्कुल ठीक वैसा जैसा वैदिक सभ्यता के दौरान दिखाई पड़ता था। तो बात करेंगे अर्थव्यवस्था की, तो अर्थव्यवस्था राजनीति सेम एज वैदिक सिविलाइजेशन, सेम एज वैदिक सिविलाइजेशन, अर्थव्यवस्था सेम एज
वैदिक सिविलाइजेशन, थोड़ा सा डिफरेंस क्या होगा कि जहां वैदिक काल में पशुपालन को प्राथमिकता दी जाती थी, वहीं अब इस रूप में आकर पशुपालन को प्राथमिकता ना देकर पशुपालन के साथ साथ एग्रीकल्चर भी पूरी तरीके से सुपरमेसी में चला जाता है। समझिए किस तरीके से कि अभी तक वैदिक काल के दौरान प्रारंभिक आर्यों को लोहे की किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। मैं बात कर रहा हूं प्रारंभिक आर्यों की, प्रारंभिक आर्यों को लोहे की कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जैसे ही मध्य आर्य या कुल मिलाकर कहे कि जैसे ही 1000 ईसा पूर्व और उसके आसपास का समय होगा, तो आर्यों को लोहे से परिचित होना पड़ा। और दुनिया में पहली बार अगर लोहे का इस्तेमाल किसी ने किया था तो वो आपके आर्य थे। इन्हीं आर्यों के कारण लोहे का निर्माण हुआ। इसी लोहे ने पूरी तरीके से समाज के अंदर हल स्थापित किए और इसी हल ने जमीन को उस स्तर तक जाकर खोद दिया जहां पर कृषि व्यवस्था को आप अच्छा खासा पूरी तरीके से कर सकते थे। तो कृषि और इसके आसपास के सहायक कार्यों में बड़े पैमाने पर तीव्र वृद्धि हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो धार्मिक मामला यहां सरल था प्रारंभिक आर्यों के साथ, अब यहां थोड़ा सा जटिल हो जाता। और जटिलता भी इस प्रकार की कि पूरी तरीके से आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, ये सारे की सारी चीजें जब सोसाइटी में आ गई तो अब समाज सोचने पर मजबूर ये हो गया कि वो अपना काम धंधा करे या अपने काम धंधे को छोड़कर फिर इस ओर लगे कि भैया मैं कहां से आया, क्या मुझे करना है, क्या इस जीवन का वास्तविक उद्देश्य है और कहां मुझे जाना है। तो जब इस तरीके के प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए तो थोड़ी सी धार्मिक स्थितियां क्या हो गई, जटिल हो गई। और देवी देवताओं के प्रकोप और भय से सोसाइटी को डराकर उसे संचालित करने का काम किया गया। तो सोसाइटी का संचालन हो तो रहा है वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था से ही, लेकिन जहां वैदिक सभ्यता में वर्ण व्यवस्था आपके कर्म आपके कार्य पर आधारित थी, वहीं ये अब वर्ण व्यवस्था आपके कार्यों पर आधारित न होकर पूरी तरीके से चली गई जन्म आधारित। और जन्म आधारित हो जाने के कारण ही वैदिक सिविलाइजेशन के विपरीत उत्तर वैदिक काल खड़ा हुआ और इसी उत्तर वैदिक काल की सारी के सारी सामाजिक दशाओं को ठीक करने हैं तो बड़े प्रयास किए गए। उन्हीं प्रयासों में से एक प्रयास था कि जब भारत के अंदर इतनी बड़ी बड़ी फिलोसफीज आई, इतने बड़े बड़े दर्शन शास्त्र आए कि 108 प्रकार के दार्शनिक विचार और अलग अलग फिलोसफी ने पूरी तरीके से मामले की पोल खोलते हुए ये कहा कि नहीं, समाज जिस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत ज्यादा सरल था उसी अनुरूप इसे सरल भी होना चाहिए। तो इसी काल के अंदर उपनिषद लिखे गए। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान को अर्जित करना। तो मतलब एक टीचर के आसपास रहकर सारे के सारे ज्ञान को अडॉप्ट करना ही क्या है उपनिषद, जिनकी कुल संख्या है 108। इसमें से 12 या 13 को प्रमाणिक माना जाता है। सबसे प्रमुख ईश केन कठ मुंडक मांडुक्य आदि को माना जाता है। तो ये कुछ उपनिषद हैं और उपनिषद का मतलब होता है फिलोसफी या एक किस्म से दर्शन शास्त्र। इसी को श्रुतियों के माध्यम से यानी कि इस पीढ़ी या गुरु शिष्य परंपरा में गुरु अपने शिष्य को ज्ञान की बातें बताया करते थे और वो शिष्य इस ज्ञान को एक अगली पीढ़ी में ट्रांसफर कर दिया करते थे। ये सारा का सारा सिस्टम जो खड़ा हुआ, ये खड़ा हुआ हमारा उत्तर वैदिक काल के दौरान। तो इसी मुंडक उपनिषद, मुंडक प्लस उपनिषद से सत्यमेव जयते का उद्घोष हुआ। हालांकि ये बात अब सभी को परिचित है, लेकिन एक बात समझने की ये है कि अगर उस समय झूठ का तंत्र ना खड़ा हुआ होता या झूठ को स्थान ना हुआ होता
तो फिर हमें ये कतई की आवश्यकता नहीं थी बोलने की कि सत्यमेव जयते, कि अंत में सत्य की ही विजय होती है। इसका मतलब सोसाइटी के अंदर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से झूठी तंत्र और झूठे मंत्रों पर आधारित सारा का सारा सिस्टम खड़ा था। और मैंने अभी बताया कि किस तरीके से देवी देवताओं के प्रकोप के कारण सोसाइटी को भयभीत कर दिया जाता था और डराकर एक बहुसंख्यक वर्ग को किस तरीके से मजदूर वर्ग बनाकर बस बैलों और बछड़ों की तरफ हाँक दिया जाता था। तो ये सारी व्यवस्था उठ खड़ी होती है हमारे उत्तर वैदिक काल में, और इसी उत्तर वैदिक काल की डावाडोल स्थितियों को बिल्कुल अच्छे से स्थापित करने के लिए बड़े उपनिषद रचे गए, और इन्हीं उपनिषदों ने कहीं ना कहीं वो क्रांति घटित कर दी सोसाइटी के अंदर कि अगले कुछ ही सालों में इस दर्शन शास्त्र इस फिलॉसफी को एडॉप्ट कर गौतम और महावीर जैसे बड़े विचारकों का क्या हुआ, जन्म हुआ। उनके साथ साथ 62 बड़े संप्रदाय धार्मिक विचारधाराएं ऐसी भी खड़ी हुई जो पूरी तरीके से पाखंडवाद पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती थी। अगर झूठ ना होता, मैंने कहा अगर झूठ ना होता तो सत्यमेव जयते ना होता, अगर हिंसा ना होती सोसाइटी में तो महावीर और गौतम को अपने पद चिन्हों में सबसे प्राथमिक स्तर पर अहिंसा को स्थापित करने की कतई भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अब ये चीज तो थी यहां तक पूरी तरीके से कि वहां का समाज, वहां की राजनीति, वहां का कार्यकलाप किस तरीके से था। तो सबसे पहले चार टॉपिक मैंने कहा, समाज पुरुष सत्तात्मक और वर्ण अवस्था के साथ साथ जाति व्यवस्था भी। समाज के बाद बात करें अर्थव्यवस्था की तो पशुपालन के साथ साथ कृषि व्यवस्था भी, क्योंकि लोहे का प्रयोग आरंभ हो चुका है और यहीं से आपने हलों का निर्माण भी क्या कर लिया है, कर लिया है। तो जब राजनीतिक व्यवस्था की बात हुई तो राजनीतिक व्यवस्था एज इट इज जैसे आपकी वैदिक काल में थी, और जब बात करें धर्म की तो देवी देवताओं के प्रकोप हेतु इतना सारा सिस्टम जटिल कर दिया गया कि इन दो चीजों में इतनी बड़ी खामी है कि इनमें दोनों में सुधार की हमें आवश्यकता मतलब करने की जरूरत पड़ जाती है। तो समझते हैं इन सारी चीजों को और उसके बाद फिर फैक्चुअल कंटेंट पर भी आएंगे। तो इसे ऐसे समझिए कि वर्णों में विभाजित जो समाज है वो कुछ इस तरीके से था, 1, 2, 3, 4। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 ये है सोसाइटी का आधार, और सोसाइटी की आधारशिला में स्थान मिला शूद्र को। इसका कार्य है सेवा करना, ये है आधारशिला नंबर नेक्स्ट थोड़ा सा ऊपर। तो इस आधारशिला में स्थान मिला आपका वैश्य को, और इसी सेवा कार्यों से ऊपर चलते हुए यहां जो सिस्टम था वो व्यापार का। इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो यहां आया क्षत्रिय इस नंबर 2 सिस्टम में, और इनका काम होगा सोसाइटी को संचालित करना या शासन करना। ये पूरा पुरोहित वर्ग है, ब्राह्मण वर्ग है। शासन और सत्ता, वाणिज्य व्यापार, सेवा के नियम कायदे कानून जो स्थापित करेगा नियम, और शिक्षा जो सोसाइटी को देगा उसका कार्य रूप में ब्राह्मण को रख दिया गया। वैदिक काल में ये बंटवारा जो हुआ था ये वर्णों के आधार पर किया गया था, रंगों के आधार पर सोसाइटी का वर्गीकरण, द कलर क्लासिफिकेशन ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन, द कलर क्लासिफिकेशन। वर्ण मतलब कलर। मध्य एशिया से आए मूल निवासी ने अपने आप को सबसे सर्वोच्च माना क्योंकि उसका रंग सबसे फेयर था, जो बिल्कुल अनफेयर थे वो सबसे नीचे आ गए, और इन दोनों के बीच में क्षत्रिय और वैश्य पूरी तरीके से जड़ कर गए। अब एक चीज ये कि अभी तक की व्यवस्था में कोई जटिलता नहीं है क्योंकि ये काम का वर्गीकरण एक्सपर्टीज को स्थापित करना है। एक्सपर्टीज का मतलब ये कि अगर एक ही काम को एक ही व्यक्ति या उसकी अन्य पीढ़ी करेगी तो समाज एक दूसरे पर आश्रित रहेगा। अगर सारे के सारे लोग दिहाड़ी मजदूर करने लगे तो फिर मालिक कौन बने, और सारे के सारे मालिक बन गए तो फिर दिहाड़ी मजदूरी कौन करे। मतलब काम का बंटवारा और एक दूसरे के ऊपर उन्हें डिपेंड कर दिया कि इस तरीके से डिपेंडेंसी आपकी बनाई जा सकती है कि आप केवल सेवा कार्य करें, आप केवल व्यापार करें, आप केवल शासन करें और आप केवल शिक्षा करें। तो समाज का वर्गीकरण कुछ इस तरीके से। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते सिस्टम इतना बदल चुका था कि
जिन लोगों के हाथ में इस व्यवस्था का संचालन आया था उन्हीं लोगों ने इसके संचालन को बिगाड़ दिया। समझिए कैसे कि पिछले 70 या 71 वर्ष पहले जब भारत के संविधान का निर्माण हुआ तो भारत का संविधान या भारत की राजनीति इतनी जटिल नहीं थी, लेकिन वर्तमान शासकों ने अपने अपनी इच्छा अनुसार उसका इस कदर दुरुपयोग किया कि अब संविधान निर्माताओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। अगर हम इस सोसाइटी को दोष देते हैं तो सबसे पहले दोष उन्हें देना होगा जो इस सोसाइटी के संचालक थे या जिन्होंने इस सोसाइटी का निर्माण किया था। एक्चुअल में होता क्या है कि जब कोई संविधान बनाकर दे दिया यहाँ भी आपको, तो उस संविधान के अनुरूप अगर शासन नहीं होगा तो तख्ता पलट कहीं ना कहीं होगा। तो तख्ता पलट किस रूप में होगा, अब देखिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जब होगा, अब उत्तर वैदिक काल तक आते आते ब्राह्मणों में भी कई प्रकार के ब्राह्मण, दो वेद पढ़ने वाला द्विवेदी हो गया, तीन वेद पढ़ने वाला त्रिवेदी हो गया और चार वेद पढ़ने वाला चतुर्वेदी हो गया। तो ब्राह्मणों में भी कई प्रकार के ब्राह्मण जातीय और गोत्र व्यवस्था क्या कर दी गई, स्थापित कर दी गई। मतलब एक तो ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण में भी ऊंच और नीच का, कि ये हमसे थोड़ा सा नीचे का ब्राह्मण है और हम थोड़े अपर ब्राह्मण। फिर बात करें क्षत्रियों की तो क्षत्रिय भी कई प्रकार के क्षत्रिय, बात करें वैश्यों की तो वैश्य भी कई प्रकार के वैश्य, और बात करें शूद्रों की तो शूद्र भी कई प्रकार के शूद्र। तो मतलब कुल मिलाकर ये जो वर्गीकरण था यही आपकी जाति व्यवस्था थी, और इसी जाति व्यवस्था को जन्म आधारित हो जाने के कारण समाज के अंदर इतने व्यापक बदलाव करने पड़े कि ये तख्ता पलट होकर ही जो पिरामिड इस तरीके से खड़ा था वो कुछ इस रूप में आकर खड़ा हो गया। क्योंकि उत्तर वैदिक काल में इस वर्ग के साथ सबसे ज्यादा हिंसा है, उत्तर वैदिक काल में पशु बलि जिसकी निंदा भी की गई वो इतनी व्यापक पैमाने पर है कि बैल और बछड़ों की अनाधुंध कटाई की जाती है। राम शरण शर्मा साहब ने अपनी पुस्तक में, बहुत बड़े प्रख्यात इतिहासकार रहे राम शरण शर्मा साहब, उन्होंने अपनी पुस्तक में बहुत ही खुले और स्पष्ट शब्दों में लिखा कि यद्यपि उत्तर वैदिक काल के लोग, यदि उत्तर वैदिक काल के लोग बैल और बछड़ों की कटाई न करते और न ही शूद्र वर्ग के साथ कोई हिंसात्मक रवैया अपनाते तो शायद ही वैदिक सभ्यता दुनिया की उस बेहतरीन सभ्यताओं में से एक होती जो पूरी तरीके से टेम्परेरी होते हुए भी अपने स्थायित्व को कहीं ना कहीं रखती है। क्योंकि ये जो घर बनाते हैं ये कच्ची ईंटों का घर बनाते हैं, गारे का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ किसी प्रकार का कोई उलझाओपन या नगरीकरण जैसी समस्या नहीं है। मतलब ये पूरी तरीके से अडॉप्ट करते हैं चीजों को, लेकिन अडॉप्टेशन के बाद भी जाति व्यवस्था इतनी जटिल है कि वो जन्म आधारित हो जाने के कारण व्यवस्था डामाडोर हो गई और ऊपर का वर्ग कब नीचे आ गया और नीचे का वर्ग कब ऊपर चला गया ये शायद किसी को पता भी नहीं चला। तो अलग अलग रूपों में अलग अलग काम का बंटवारा, जातियों में भी कई प्रकार की जातियां और उनका भी काम अलग अलग रूप में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया। तो कुछ इस तरीके की व्यवस्था उत्तर वैदिक काल ने खड़ी कर दी। फिर व्यापक पैमाने पर जो यज्ञ हुआ करते थे उन यज्ञों में बैल और बछड़ों की अंधाधुंध कटाई हुआ करती थी। बैल और बछड़ों की अंधाधुंध कटाई, अब बैल तो आपके हल के साथ जुड़ा है ना, बैल किसके साथ जुड़ा है, हल, बैल को हांकने वाला कौन है, शूद्र। इसके साथ क्या है, हिंसा, अंधाधुंध कटाई हो रही है, इसके साथ भी क्या है, हिंसा। हिंसा दोनों के साथ है तो हल खेत तक जाएगा क्या, नहीं। हल अगर खेत तक नहीं जाएगा तो अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, यार एक बात बताओ, 2021 में जब गेहूं की कटाई का सीजन था तभी कोरोना वायरस के पनपने का ज्यादा खतरा पैदा हुआ, जो फसल खड़ी थी सूखी हुई या जो गेहूं तैयार थे मार्च और अप्रैल के महीने तक, अगर उन्हें काटने वाला मजदूर वर्ग ही ना मिले तो फिर ये कटाई जब नहीं होगी तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका तो गल्ला खाली हो जाएगा ना सरकारी। इसे इस बात में समझिए कि जब ऐसी हिंसात्मक रवैया उनके साथ अपनाया गया
तो वो आपके खेतों में काम करेगा क्यों? क्योंकि वो तो आपके खेत में काम करके भी मर रहा है और घर भी उसका मरण है, तो इससे ज्यादा बेहतर है कि वो घर ही मर जाए, आपके कम से कम मतलब जुर्मो सितम से तो वो बच ही सकता है कि वो इस ये अपना ले कि भैया मैं घर मर जाऊं तो ज्यादा बेहतर है। तो बैल के साथ हिंसा, बछड़ों के साथ हिंसा, शूद्रों के साथ हिंसा, तो अर्थव्यवस्था पर बट्टा, अर्थव्यवस्था डावाडोल किस वजह से हुई? क्योंकि सेवा कार्य करने वाले लोग अब उतने गतिशील नहीं रह गए जितने होने चाहिए थे। अर्थव्यवस्था डावाडोल तो ऊपर टैक्स जाएगा क्या? अगर सारे के सारे लोग कर चोरी करने लग जाए, टैक्स चोरी करने लग जाए, या हमारे देश के अंदर इतनी बड़ी भुखमरी आ जाए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वेतन और भत्ते काटने पड़ जाए मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपतियों के, एक ऐसी वित्तीय स्थितियां खड़ी हो जाए आकर कि पूरी तरीके से जब कह दिया जाए कि भैया अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ये जो शासन और सत्ता में सैनिक वर्ग है ये तो पूरी तरीके से किसके लिए खड़ा है? वहां अपने परिवार के लिए ना, और परिवार को चलाने के लिए सिर्फ पूंजी चाहिए, और पूंजी के रूप में उस समय क्या है? चावल, जौ, ज्वार, मक्का, गेहूं आदि। जब ये पूंजी ही डावाडोल स्थिति में चली गई तो अर्थव्यवस्था ठप हो गई, अर्थव्यवस्था ठप हो गई तो शासन और सत्ता में सैनिक आपके साथ काम करेगा क्यों? भाई वो काम इसलिए कर रहा है ना क्योंकि उसे अपने परिवार को संचालित करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो जब नहीं करेगा तो ऊपर का वर्ग अब बैठकर क्या शिक्षा दे या सोसाइटी से भिक्षा दे। तो नियम कायदे कानून इतने जटिल बनाने वाला ही जब इसके घेरे में आ गया तो अब इस मानसिकता की दीवार को तोड़ना था और कहीं ना कहीं सोसाइटी को अहिंसा के रूप में खड़ा करते हुए पूरी तरीके से वहां तक गतिशील करना था जहां तक सोसाइटी को संचालित हम कर सकते थे। तो तब बहुत देर में जाकर बड़े विचारक उठ खड़े हुए और उन विचारकों ने उपनिषद, ब्राह्मण साहित्य और अन्य बड़े ग्रंथों की रचना की, और उन ग्रंथों ने बार बार यही स्पष्टीकरण दिया कि बस अगर डरो तो उससे डरो जिसके बलबूते ये सारा नियम कायदे कानून खड़ा, और उसे नाम दे दिया गया परमात्मा। अच्छा, ये परमात्मा केवल गरीब आदमियों को डराता है, अमीरों को नहीं। ये परमात्मा भी केवल गरीबों के लिए, अमीरों के लिए नहीं है, उनके लिए तो व्यवस्था इससे भी कहीं ज्यादा जटिल है और बहुत ज्यादा खतरनाक है। मतलब 21% ऑक्सीजन जिस वायुमंडल में हो, उस वायुमंडल में ऑक्सीजन की कमी क्यों? क्योंकि मानव ने हस्तक्षेप किया है प्रकृति के साथ, और यहां कहा जा रहा है कि मनुष्य भी प्रकृति है, और मनुष्य अगर प्रकृति है तो प्रकृति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम खड़ा था कि शासन आपने अपने हाथ में ले लिया, शिक्षा अपने हाथ में ले ली, या व्यापार अपने हाथ में ले लिया, या सेवा कार्य अपने हाथ में ले लिया, तो ये सोसाइटी का रिजर्वेशन ही तो था, ये सोसाइटी में एकमात्र जो व्यवस्था थी ये आरक्षण ही तो था। तो पिछले 3,500 सालों से यही तो चलता हुआ आ रहा था जब तक भारत का संविधान नहीं लिखा गया। जब संविधान लिखा गया तो इन भेड़ियों को, इन मानसिकताओं को पूरी तरीके से तोड़ा गया, और तब जाकर आज आपको सोसाइटी में जो काम सेवा कार्य के रूप में शूद्र कर रहा था वो आज कहीं ना कहीं इलीट क्लास और अपर वर्ग का काम कर वो लोग करने लगे। आज रेड चीफ को बनाने वाला कौन, आज लिबर्टी को बनाने वाला कौन, आज बाटा को बनाने वाला कौन? ये चप्पल, जूते, चमड़े का कार्य किसका था? शूद्र वर्ग का। आज बड़े बड़े इलीट क्लास वहां कर क्यों बैठ गई? आज बड़े बड़े प्रोफेसर्स में या संविधान निर्माताओं में या राष्ट्रपतियों में उन दलितों का नाम कैसे आ जाता है जिन्हें शिक्षा से कभी ना कभी वंचित कर दिया जाता था? तो मतलब कुल मिलाकर ये कि प्रकृति से अगर भेदभाव करोगे तो प्रकृति निश्चित ही आपसे भेदभाव करने लगेगी, और वो भेदभाव ऐसा होगा कि कहां तो अछूतपन की भावना को महावीर और गौतम माउथ टू माउथ, टाउन टू टाउन, शहर से शहर, नगर से नगर, गांव से गांव, लोक से लोक तक संदेश पहुंचा रहे कि किसी प्रकार का भेदभाव या छुआछूत न करें। आज प्रकृति ने हर आदमी को क्या बना दिया?
कितने गज की दूरी पर खड़े हो? 6 गज। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे आपका क्षत्रिय हो और चाहे शूद्र हो, आज ये अछूतपन की भावना जब प्रकृति ने दिखाई तो हर आदमी प्रकृति की नजर में क्या हो गया? अछूत हो गया। और तो शायद अब आर्टिकल 17 की हमें इतनी आवश्यकता नहीं हुई रहेगी कि अस्पृश्यता का अंत करो, क्योंकि अब पूरा का पूरा समाज ही अस्पृश्य है। किसी भी चीज को छोगे तो मरोगे। मतलब समझिए चीजों को कि किस तरीके से तख्ता पलट किया है। उस परम आत्मा ने, जिस परमात्मा के खौफ से ये डरता था नीचे का वर्ग, वो आज कहीं ना कहीं उसका शुक्रिया अदा भी करता होगा कि कहीं ना कहीं समाज की बेड़ियां तोड़ने में वो जवाब देता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिः, मतलब वो आता है तब तब जब जब धर्म की हानि होती है। धर्म की जब हानि हुई तो वो महावीर और गौतम के रूप में खड़ा हुआ था सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान। अब बात करते हैं कुछ ऐसे इंपोर्टेंट फैक्ट्स की, जिन फैक्ट्स को पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपोर्टेंट माना जाता है। जितना मैंने बताया, अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी की सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है। तो चर्चा करते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स पर। तब तक के लिए एक मिनट का मैं ब्रेक ले लेता हूँ, थोड़ा पानी पीना। कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स जो पूछे जाते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ज्यादा अतिरेक किया जाता, मतलब हाव भाव को खोने की आवश्यकता नहीं है। चीजों को अपने नजरिए से पढ़िए। इतिहास किसी भी एक नजरिए पर आकर नहीं टिकता। इतिहास में जो जैसा घटित हुआ ऐसा आज तक कहीं भी लिखा नहीं गया। इतिहास सच में लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने फायदे के लिए लिख दिया, ताकि वो आगे आने वाली जनरेशन या वर्तमान जनरेशन पर पूरी तरीके से शासन और सत्ता कर सके। तो वर्तमान शासक तो ऐसे हैं कि वो चेतक की माँ का नाम भी बता दे, खैर मैं वहां नहीं जाना चाहता, लेकिन समझिए कि 4 प्रकार के यज्ञ उस समय होते थे। एक राजसूय यज्ञ, आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 1 राजसूय यज्ञ, राजकीय संस्कार का सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ हुआ करता था। वाजपेय यज्ञ, शक्तियों को ग्रहण करने हेतु सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, अपने राजनीतिक विस्तार के लिए घोड़ा छोड़ दिया जाता था कुछ समय के लिए, लगभग 1 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता था, और जहां तक वो विचरण करता था वहां तक वो सारे के सारे भूमि जो थी, वो राज्य जो विस्तार था, उस आदमी का माना जाता था जो इस अश्वमेध यज्ञ को कराता था। यद्यपि कोई उस घोड़े को बीच में रोक ले या पकड़ ले तो फिर उसे उसके साथ युद्ध करना होता था। अग्निस्तोम यज्ञ, तो ये देवताओं को प्रसन्न करने हैं, तो बारिश नहीं हो रही है तो क्या करें, इंद्रदेव को प्रसन्न करें, थोड़ा सा यज्ञ हवन कर लें, तो इस तरीके के यज्ञ हुआ करते थे। तो मतलब कुल मिलाकर सोसाइटी में इतनी जटिलता कि जहां आदमी आदमी से खुश नहीं है वहां इंसान उसे खुश करने चला जो कभी दुखी हुआ ही नहीं, ईश्वर। तो शायद कहीं ना कहीं इसी ईश जो ये उपनिषद लिखा गया, इसी से कहीं ना कहीं ईश्वर शब्द की उत्पत्ति भी हुई। और सोसाइटी में अब ईश्वर की कोई खास जगह रह नहीं जाती है। तो समझिए चीजों को, उस समय जो था, जीवन को जीने के 2 मार्ग हुआ करते थे। जीवन को जीने के 2 मार्ग हुआ करते थे, लिख लें, त्रयमार्ग और श्रेयमार्ग। माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन कर जीवन को यापन अगर किया जाता है तो वो पूरी तरीके से आपका श्रेय मार्ग हो जाता है, श्रेय मार्ग हो जाता है। माता पिता गुरु तीनों की आज्ञा का पालन करने के उपरांत जब जीवन को व्यतीत किया जाता है तो वो श्रेय मार्ग होता है। भौतिकवादिता, मोटरसाइकिल तो है, 4 पहियों का वाहन भी ले लो, भौतिकवादिता। 4 पहिये तो हैं, 6 पहिये का वाहन ले लो, भौतिकवादिता। घर में 1 फ्रिज तो है लेकिन 1 AC और चाहिए, भौतिकवादिता। मतलब अपने सुख साधन को एकत्रित करने वाला जो जीवन है वो प्रे जीवन है। अपने आप का त्याग कर समाज को संचालित करना, माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन करके जीवन को व्यतीत करना,
श्रेय मार्ग है, तो जीवन को जीने के दो मार्ग इस समय क्या थे, प्रचलित थे। इसके बाद बात करते हैं, राजनीतिक इकाइयों की। और वो राजनीतिक इकाइयां जो थी, वो राजनीतिक इकाइयां किस रूप में काम किया करती थी, तो सभा, बड़े वृद्ध, समृद्ध, उच्च, ज्ञानी या विद्वान लोगों की सभा हुआ करती थी, राजनीतिक इकाई है। इसी के साथ साथ समिति भी राजनीतिक इकाई के रूप में काम किया करती थी। ये दोनों ही राजनीतिक इकाइयां थी। इन्हीं की एक और सबसे प्राचीन इकाई थी इन्हीं में, वो थी आपकी विदंत। तो इसे राज्यसभा समझ ले, इसे लोकसभा समझ ले, और इसे एक किस्म से सुप्रीम कोर्ट समझ ले, कि दोनों के बीच में मशवरा कराने वाला एक आयाम जो था वो इस तरीके से। तो सभा, समिति, विदंत, कई प्रकार, तीन प्रकार की जो राजनीतिक इकाइयां थी उनका अस्तित्व था, और यही राजा को सलाह देती थी कि किस तरीके से सोसाइटी को क्या करना है, गतिशील और संचालित करना है। अब बात करते हैं प्रमुख फिलोसफीज की, प्रमुख दर्शनों की। तो प्रमुख दर्शनों की लिस्ट बना ले आप लोग, प्रमुख दर्शन। तो कुछ महत्वपूर्ण फिलोसफीज 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह बड़ी फिलोसफी है, छह बड़े ग्रंथ हैं, छह बड़े प्रतिपादक हैं उस समय के। सांख्य दर्शन जो प्रकृति को मूल मानता है और प्रकृति को आधार बनाकर जीवन के सूत्र को देता है, जिसके प्रतिपादक थे कपिल मुनि। इसी प्रकार योग, अर्थात योग का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि स्वयं से जुड़ना। योग बात करता है पूरी तरीके से अपने आप से हुए लोगों की विरक्ति से, कि स्वयं से स्वयं। हम बात कर रहे थे योग सूत्र की, तो यहाँ आत्मा को यातना देकर परमात्मा में जब जोड़ दिया जाता है, तो वही पूरी तरीके से क्या हो जाता है, आपका योग सूत्र हो जाता है। न्याय सूत्र के अंतर्गत अक्षपाद गौतम ने कहा कि ईश्वर ही सृष्टि का मूल है, और ईश्वर के द्वारा ही सभी की सभी सृष्टि जो है संचालित होती है। वैशेषिक में मोक्ष कहा गया कि मोक्ष ही जीवन का परम लक्ष्य है, इसी के अधीन रहते हुए। दैट मीन्स कि ये जीवन जो है वो बार बार एक चक्र के माध्यम से घूमता रहता है, जब तक इसके उद्देश्य की प्राप्ति ना हो जाए, और जब इसके उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, तब पूरी तरीके से मोक्ष मिलने के कारण जो आत्मा है वो परमात्मा में क्या हो जाती है, लीन हो जाती है, फिर वो कभी जन्म नहीं लेता। पूर्व मीमांसा भी मोक्ष की बात करता है, उत्तर मीमांसा ब्रह्म की बात करता है। ब्रह्म का मतलब होता है वो मूल तत्व जिसके सहारे वो इलेक्ट्रॉन भी, वो प्रोटॉन भी, वो न्यूट्रॉन भी गतिशील है, संचालित है, उसी ब्रह्म में पूरी तरीके से लीन होना जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। और ये कुल छह प्रकार के दर्शन थे जो आधार बने जीवन को व्यतीत करने का। अब चार प्रकार के आश्रम, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। मतलब कलयुग में ऐसा माना जाता है कि आदमी की जो उम्र होगी वो 100 साल तक होगी, और इस 100 साल को हमने 4 टुकड़ों में कर दिया विभाजित, 25, 25 से 50, 50 से 75 और 75 से 100। तो चार रूपों में वर्गीकृत करने के बाद सबसे पहला जो है वो आपका ब्रह्मचर्य है। मतलब जब आपको आत्मज्ञान कराया जाएगा, जब आपको जीवन के सूत्र में बंधने से पहले उन सारी चीजों को सिखाया जाएगा जो आपको 25 साल के बाद से लेकर 100 साल के बाद तक करनी होती है। तो 0 से 25 का जो समय चला जाता है वो हमारा ब्रह्मचर्य में चला जाता है पूरी तरीके से, और नंबर 2 25 से 50 का जो समय है वो घर गृहस्थी में चला जाता है। तो ये आश्रम हुआ ब्रह्मचर्य, ये चार प्रकार के आश्रम, ये आश्रम हुआ ब्रह्मचर्य, ये आश्रम हुआ ग्रस्त, ये आश्रम आपका हुआ पूरी तरीके से वानप्रस्त, और ये आश्रम हुआ आपका पूरी तरीके से सन्यास। तो यहां ब्रह्मचर्य है,
यानी कि आप हर प्रकार के काम वासनाओं से क्या रहेंगे, दूर रहेंगे। ग्रस्त जीवन यहां विवाह होगा। वानप्रस्थ, अब जितना भी आपने अतीत में कर लिया उस पर विचार करें, कुछ गलत हुआ तो पश्चाताप करें, 75 के बाद दुनियादारी को भूल जाएं और भैया टाटा बाय बाय और बस संन्यास के लिए निकल पड़े आप, लोगों को समझाने हेतु कि जीवन कुछ इस तरीके का है जिस तरीके से आपने उसे जिया है। तो अब ये देखिए कि यज्ञ भी है, जीवन के मूलभूत नियम भी हैं, कई प्रकार के आपके दार्शनिक विचार भी हैं, कई प्रकार की जटिलताएं भी हैं, कई प्रकार की सरलताएं भी हैं। इतना सारा सिलेबस हो जाने के बाद जीवन का, तो आदमी कहेगा कि भैया मुझे कुछ सरल राह दिखा दो। तो अगर आपको ये कह दे कोई कि भाई एक काम करो, सब कुछ भूल जाओ और इच्छा का त्याग कर दो बस, और तुम निर्वाण की प्राप्ति कर जाओ, तो तब हो सकता है कि इस बात का ज्यादा प्रभाव पड़े। और इस बात का प्रभाव पड़ा अगली ही कड़ी में, जब भारत के अंदर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ। याद रखिए कि दो चीजों में गड़बड़ियां थी, समाज और धर्म, दोनों की गड़बड़ियों को दूर करने के लिए सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की क्या पड़ी आवश्यकता। अगली ही सीरीज में हम लोग जैन और बौद्ध बड़े धर्मों को पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि उनके खड़े होने का कारण क्या था, उनके बीवी बच्चे का नाम नहीं, वो पढ़ना किसी भी किताब से, हम पढ़ेंगे उनके खड़े होने का कारण क्या था, खड़े होने के बाद वो पूरी तरीके से सोसाइटी में क्या योगदान देकर गए, और उनकी फिलॉसफीज क्या थी, और उनकी फिलॉसफीज जो थी वो पूरी तरीके से पूरे विश्व के अंदर प्रचलित और प्रसारित किस तरीके से होकर चली गई। अगली ही सीरीज में हम लोग पेश करने वाले हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।